अस्सलामुअलैकुम। दारुलउलूम स्कूल बिल्डियट ऑन कैंपस से मैं हूँ आपका मैथ का टीचर हिफ्ज़ लेवल सी की मैथ। आज हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड। हमने लास्ट क्लास में डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लिए थे। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम कुछ और देखते हैं डेसिमल के हवाले से। आज हम सबसे पहले देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब एडिशन कैसे होती है डेसिमल फ्रैक्शन की, और यानी डेसिमल नंबर्स की या डेसिमल की जो आपके पास वैल्यू होती है जिसमें आपका डेसिमल यूज़ होता है, तो उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है वो आज हम देख लेते हैं। हमने यहाँ कॉपी पे एक क्वेश्चन लिया हुआ, क्वेश्चन एडिशन का है, लेकिन रूल्स जो है वो सब्ट्रैक्शन एडिशन के तकरीबन सेम है। सबसे पहला रूल, आप अगर दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं एडिशन की, तो एडिशन के लिए आप इसको लिखेंगे, आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जैसे आपको दी हुई है। सेकंड वैल्यू के लिए आप थोड़ा सा सोचेंगे, सेकंड वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू में देखें आप डेसिमल कहाँ है, जहाँ आपका डेसिमल आपने डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लिखना है। जब डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, अब ये तो इत्तेफाकन इसके नीचे इस तरफ ए की वैल्यू है, अगर यहाँ दो तीन चार जितनी भी हो तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, जैसे ये एक ही है तो ये क्या हम लिख देगी डेसिमल की साइड वाली होगी। अब डेसिमल के इस तरफ वाली वैल्यू हम देख लेते हैं कौन सी है, टू वन, ठीक है। यानी आपका डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए, बाकी भी आपकी जितनी वैल्यूज़ है वो वैल्यू के नीचे आनी चाहिए। एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड कर लेते हैं 4 और 5 9, डेसिमल आ गया हमारे पास आंसर में, ठीक है। आंसर में भी आपके पास डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, 2 और 3 5 5 और 2 7 6 और 1 7, ये आपका हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं, यही अगर मैं सेम क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लिए लूँ तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही रूल आएगा कि आप पहले डेसिमल लगा के डेसिमल की इस तरफ वाली वैल्यू और फिर इस तरफ वाली वैल्यूज़। अगर मैं माइनस करूँ, 4 माइनस 5 नहीं हो रहा तो मैं डेसिमल के उस तरफ कैरी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। 14 हुआ, ये हो गया मेरे पास 2, 14 में से 5 गया 9 पॉइंट आ गया, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल बिल्कुल सेम रूल है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो हमारा 41 के बाद जो हमारा पेज है 42, वो भी आज की डायरी में आपका शामिल है। इसमें आपको दो किस्म की फ्रैक्शन का फ़र्क बताया गया है, एक आपके पास है लाइक फ्रैक्शन, एक है अनलाइक फ्रैक्शन डेसिमल में, ठीक है। अब अगर सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन होती है लाइक एंड अनलाइक की, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक है, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो अनलाइक फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ देख लेता हूँ कॉपी में, लाइक फ्रैक्शन वो होती है डेसिमल की कि जिसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सेम हो। मिसाल के तौर पर यह है 6.33। अगर यहाँ मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू हो, इस वैल्यूज़ में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों लाइक डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ सेम है, उनकी तादाद सेम है। क्या है, उनकी तादाद सेम है। यहाँ भी डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन हम देखते हैं, अनलाइक में क्या होता है कि अगर ये 6.3 है तो यहाँ 8.112, यहाँ डेसिमल के बाद तीन वैल्यूज़ हैं और यहाँ डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल, ठीक है। अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन अगर डेसिमल के बाद आपके पास वैल्यूज़ सेम हो, डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ आपके पास सेम हो, यानी तादाद उनकी सेम हो, तो वो लाइक है, और अगर तादाद सेम ना हो तो वो अनलाइक है। अब लाइक और अनलाइक डेसिमल का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास मौजूद है कि लाइक डेसिमल को, अब ये री राइट द पेयर्स, ये हम देख रहे हैं री राइट द पेयर्स एज अ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ये अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनको लाइक बनाना है। क्वेश्चन नंबर ए हम देख लेते हैं, 1.18 और 2.3। अब इसको लाइक करना है, तो लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में हमें पता है इसके बाद पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं और इसमें क्या है, एक है। अब दूसरी वैल्यू हम कौन सी लगाएं कि जिस वैल्यू में फ़र्क भी ना पड़े और ये लाइक भी हो जाए, तो वो वैल्यू हमारे पास मौजूद है जी, बिल्कुल ज़ीरो।
मैंने ज़ीरो डाल दिया तो ये ज़ीरो इस वैल्यू में फ़र्क भी नहीं कर रहा और इसने हमारी फ्रैक्शन को लाइक भी कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन जो मौजूद हैं ये सारे आपने करने हैं। और यहाँ भी आपके जितने क्वेश्चन मौजूद हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन है, पेज नंबर 41 और 42 आपकी आज की डायरी है, ये आपने कंप्लीट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।